नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि अभी RBI की नई गाइडलाइन आई है, उसमें आप देख सकते हैं, मैंने अभी ये 3 हफ्ते पहले वीडियो बनाया था, जिसमें कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जो है नियम बदले गए थे और कुछ नए नियम 1 अक्टूबर से आए हैं। उसी तरीके से दोस्तों, अब RBI ने एक नई गाइडलाइन निकाली है, जिसमें कि जो आपकी IMPS सर्विस होती है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, उसमें जो है चेंज किया गया है। और IMPS की जो है, यहाँ पर अगर हम आपको ट्रांजेक्शन लिमिट बताएं, तो ये 2 लाख हुआ करती थी, जिसको बढ़ा कर की आप ये देख पा रहे हैं दोस्तों, लिखा रहा है इसको 5 लाख कर दिया गया है। द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शशिकांत दास जी ने शुक्रवार को ये बताया, प्रपोज टू इंक्रीज लिमिट ऑन इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS ट्रांजेक्शन्स को 5 लाख पर ट्रांजेक्शन कर दिया गया है, जो कि करंट लिमिट 2 लाख हुआ करता था। और दोस्तों, ये IMPS सर्विस जो है आपको 24/7 सर्विसेज देती है, और आप इसको जो है अपने ATM कार्ड से ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, SMS के थ्रू जो है ये सारे ट्रांजेक्शन्स को इजीली कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, IMPS, NEFT, ये जो 3 ट्रांजेक्शन्स के तरीके होते हैं बैंक में, ये क्या होते हैं, क्या इनका यूज़ है, किस तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाता है, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को भी जो है मैं यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, आप जो है वहाँ जाकर भी ये देख सकते हैं कि ये बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है। तो दोस्तों, ये एक लेटेस्ट न्यूज़ थी RBI की, जो कि काफ़ी अच्छा कदम है, क्योंकि जब हमें कभी भी 2 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करना पड़ता था, तो हमें या तो 1 दिन का वेट करना पड़ता था। दूसरी बात दोस्तों, IMPS के लिए आपके जो भी पर्टिकुलर बैंक्स हो, वहाँ पर जाकर आप पता कीजिए कि वो IMPS से मनी ट्रांसफ़र करने का कितना चार्ज लेते हैं। अगर आपकी इंटरनेट बैंकिंग है, कुछ बैंक्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इसको चार्ज करते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, कुछ बैंक जो है इसके ट्रांजेक्शन्स के लिए जो कह सकते हैं कि कुछ पैसे आपसे काटते हैं, वो डिपेंड करता है जितना भी पैसा आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये पैसा काटा जाता है। लेकिन हाल फिलहाल सबसे अच्छी बात ये है, सबसे अच्छा डिसीजन RBI का ये है कि इस लिमिट को IMPS की 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है, जो कि आने वाले फ्यूचर में सभी के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। और भी दोस्तों, RBI इसी तरीके के नए नए गाइडलाइंस लेकर आता रहता है। जैसे ही RBI का कोई नया रूल्स इंटरनेट बैंकिंग के लिए या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स जैसी चीज़ों के लिए जुड़ा हुआ होगा, हम उसके ऊपर वीडियो लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो को दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज।